नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। तो चलिए बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। बच्चों और बूढ़ों को पढ़ा तो चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो अभी के बाद नोकिया से, तो नोकिया की 3.4 समथिंग जो आई थी मोबाइल, जो कि बोली है एंड्रॉयड 11 अपडेट आ चुकी है, जो कि आप जाके सके अपडेट कर सकते हो, तो अच्छी बात है। फिर भाई शाओमी से, तो शाओमी बोली है भैया कि मैं निकालने जा रहा हूँ भाई एम आई नोटबुक तो निकला ही है, बट बोला जा रहा है कि एक नया एडिशन आने वाला, इनहेंस एडिशन, जो कि लॉन्च कल ही होगी। देखते हैं क्या क्या फीचर्स आएगा, वो कल ही पता चलेगा। फिर भैया गूगल से, तो गूगल बोला है भैया कि जब तक भैया पिक्सल 6 नहीं आ जाएगा तब तक पिक्सल 5 पिक्सल 4 ए बिकेगी, तब तक देखते हैं। फिर भैया शाओमी से, तो शाओमी बोली है भैया MI बैंड 6 अब ग्लोबली लॉन्च करने के लिए, जो कि बोली है भैया अभी कल ही यूरोपियन मार्केट में देखी गई थी, शायद ही स्टोर पे देखी गई थी, समथिंग मतलब बिकी नहीं थी, मतलब देखी नहीं है, बोली जा रही कि ऑनलाइन स्टोर पे देखी थी, देखते हैं कब आती है। फिर भी एप्पल से, तो एप्पल यार पेटेंट की है एक नया कीबोर्ड, जैसे बताता हूँ भाई, आप कीबोर्ड के बटन को निकाल सकते हो। अच्छी बात है यार, कीबोर्ड के बटन को निकाल सकते हो, दैट इज़ गुड, सही भैया, अच्छी बात है। फिर भी विंडो से, तो विंडो 11 यार आ गया है आप सभी के लिए एक नया गते फाइल पैच ले गए, iOS फाइल पैच के लेके तैयार हो गई है, आपकी भी लैपटॉप में आएगी, तो जाइए आप डाउनलोड कर सकते हो, मगर क्या चाहिए आपको। फिर भाई सोनी से, तो सोनी आया, सोनी एक्सपीडिया गते 10th Light या लॉन्च हुई जापान में, जो कि साइलेंटली लॉन्च हुई, पता नहीं चला भैया एक बार लॉन्च कर दी, तो सोनी वाले हवाले है भैया, तो बोले ये $425 की प्राइस है, दैट इज़ गुड, सही है। फिर मिले एप्पल से, तो एप्पल आईपैड मिनी 6 यार कहते हैं बोली है नया एक रियर कंडीशन के साथ फोटोज लीक हुई है, जो कि बोली जा रही है कि समथिंग एक रिफ्रेश डिज़ाइन के साथ है, बेजल लेस लुक के साथ यार आएगी, तो अच्छी बात है। फिर भाई सैमसंग से, तो सैमसंग गलेक्सी S21 FE की रेंडर लीक हुई है, 3D रेंडर लीक हुई है, जो कि बताई जा रही है कि ये बहुत कॉम्पैक्ट लुक के साथ आएगी, एंड टाइप सी तो मुझे दिख रही है, नीचे स्पीकर भी लगी है, माइक भी लगी है, जिस तरह आप देख रहे हो कैमरा में फीचर्स मैंने पहले से बता चुका हूँ, तो यार अच्छी बात है। फिर भाई सैमसंग से, तो सैमसंग यार बीट कर दिए इंटेल को सेमी कंडक्टर मार्केटिंग के मामले में, तो बोलिए भैया कि बन गई सैमसंग नंबर 1 सेमी कंडक्टर के मामले में, TSMC शायद ही आगे है, सॉरी सेकंड नंबर पे होगी सैमसंग, तो मैं देख के बताऊंगा अगली बार। फिर भाई इंटेल से, तो इंटेल यार निकाल दिए भैया 12th जनरेशन प्रोसेसर, यस 12th जनरेशन प्रोसेसर यार, मतलब दिखाई है, अनाउंसमेंट नहीं की बट दिखाई जा रही है, बोली है कि एल्डर लेक CPU की टीजर्स के साथ आई है, एल्डर लेक CPU, यस फास्टर, मतलब स्पीड देखो भाई, एक ऑप्टिक फाइबर जैसा स्पीड चलेगा, 100 GB/s फाइबर, एक वो ऑप्टिक फाइबर वाईफाई लेंथ है, बट ये फाइब्रिक है, एक कहूँगा 100 GB/s रहते हैं, बहुत ज़्यादा हुआ यार स्पीड, बहुत ज़्यादा है। फिर भैया गूगल से, तो गूगल यार चैट आ गया एक नया फीचर्स के साथ, जो कि आप कर सकते हो भैया डार्क मोड एंड थीम को भी चेंज कर सकते हो। फिर भैया कहता है ड्रोन से, तो यार बेंगलुरु में ट्रायल किया गया था मेडिसिन के लिए, तो ड्रोन भैया ड्रोन से मेडिसिन सप्लाई करने के लिए, तो कहते हैं भैया सक्सेसफुली हो गई है, तो लगभग 15 किलोमीटर के एरिया में ड्रोन चलाई जाएगी, एंड जो कि डिलीवरी चार्ज लगेगा वो तो बेंगलुरु वाले जाने भैया, बेंगलुरु में जो रहते हैं उन लोग पहचान सकते हैं। फिर भैया इंटेल से, तो इंटेल यार प्लान कर रहा है भैया कि मैं बेचूंगा भैया, मतलब पार्टनरशिप करके किसी साथ, TSMC समथिंग, अलग अलग जितनी भी कंपनी है, सोनी हो गई, अदर कंपनी, उसके साथ पार्टनरशिप कर दिया कहते हैं मैं भैया इंटेल की चिप बेचूंगा, सॉरी इंटेल के ही साथ मिलकर चिप बेचूंगा, देखते। फिर ब्लैक विडो से, तो ब्लैक विडो यार आने वाली है 3 सितंबर, यस, जिसकी बोली है इंग्लिश हिंदी कन्नड़ भाषा, जो भी भाषा में आती भैया इंडिया में जितनी भाषा है, 3 सितंबर तैयार रहेगी डिजनी प्लस हॉटस्टार पे। फिर भाई सैमसंग से, तो सैमसंग गलेक्सी टैब S7 FE यार बोली है एक नया वेरिएंट आ गई है वाईफाई वेरिएंट में, जो कि बोली है लॉन्चिंग के लिए जल्दी है आपके स्टोर पे, मतलब सैमसंग गलेक्सी स्टोर पे लॉन्चिंग सून दिखाई है, देखते हैं। फिर भाई वावी से, तो वावी बेचने जा रही है भैया सेकेंड हैंड फोन्स, जो कि अपने स्टार्ट कर दिए भैया वावी अपने स्टोर पर, जो कि सेकेंड हैंड फोन बेच ही रही है वावी की, सिर्फ अदर कंपनी वावी की सिर्फ, तो अच्छी बात है। फिर भैया सैमसंग क्या कहते हैं भैया, सैमसंग बोली है कि भैया कि सैमसंग गलेक्सी Z Fold 3 की अगर आप स्क्रीन रिप्लेसमेंट कराते हो तो उसको देना पड़ेगा गूगल पिक्सल 5A के दाम का प्राइस, मतलब 3300 रुपये यार प्राइस, एक डिस्प्ले की प्राइस 3300 रुपये, बहुत ज़्यादा नहीं होगा यार, तो अच्छी बात नहीं है भैया, बहुत ज़्यादा यार, ये तो कॉस्टली ज़्यादा है।
फिर मैं वीवो से वीवो की X70 सीरीज़ क्या स्पीज लीक हुई है जो कि बोली है डायवर्सिटी 1200 प्रोसेसर। मैंने हाल फिलहाल बताया, मैंने बताया था भाई कि डायवर्सिटी 1200 प्रोसेसर लगेगी, तो बाद में पता चला कि भाई कहते प्राइस जो है भैया $615, तो कॉस्टली प्राइस है, देखते हैं 70,000-80,000 प्राइस जा सकती है। फिर भी अगले वीवो से वीवो की Y33S की यार कहते लॉन्चिंग डेट आ गई है, तैयार हो गई है, जो कि बोले यार ये 23 अगस्त को यार लॉन्च होगी, 17,990 रुपये प्राइस, दैट इज़ गुड, अमेजोन पे आएगी, आप परचेस कर सकते हो। फिर भाई होंडा से तो होंडा यार लॉन्च कर दिया है न्यू सुपर अफोर्डेबल UB स्कूटर, इलेक्ट्रिक स्कूटर है, जो कि बोले यार ये क्या कहते हैं यार चाइना में रखी गई है $477 प्राइस, तो देखते हैं। फिर भाई एप्पल से तो एप्पल ये कहते हैं बोली है कि 2 नए इवेंट लॉन्च करूँगा भैया सेप्टेम्बर में, शायद ही iPhone 13 यार लॉन्च हो जाए, तो देखते हैं यार एक्साइटमेंट है। फिर भैया सैमसंग से तो सैमसंग बोली है कि भैया टॉप चला गया भैया बेचने के मामले में, सॉलिड डिस्क ड्राइव में तो फर्स्ट नंबर पहुंच गई है सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब SSD के लिए, तो अच्छी बात है। फिर भैया वही सैमसंग से तो सैमसंग के ऑफर है आपके लिए, ऑफर में दिखाया तो भाई सैमसंग में ऑफर है भैया मॉनिटर की, जो कि आप परचेस कर सकते हो, ऑफर में मॉनिटर है तो ये आप परचेस कर सकते हैं। फिर भाई अगर एस्ट्रॉयड से तो ये आज रात आने वाला है पृथ्वी पर 94,000 किलोमीटर की स्पीड में एस्ट्रॉयड, जो कि देखते हैं यार, देखते भैया चलिए ग्रुप बनाते हैं कैच करते हैं एस्ट्रॉयड को, तो चलिए तो ठीक है यार आज के लिए इतना ही, कल नैनेज के साथ बट जाते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड आज के लिए गुड बाय कहिए, तो आज के लिए जय हिंद।